नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मराज भारती मौर्य क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है इसमें शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। दोस्तों, यहाँ आपको एक चीज़ समझनी होगी कि सबसे पहले तो जो अवस्था है 0 से लेकर के और 6 वर्ष, ये जो अवस्था है इसको बोला जाता है शैशवावस्था, और 6 साल से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था है ये होती है हमारी बाल्यावस्था, और 12 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक जो अवस्था होती है दोस्तों इसको किशोरावस्था कहा जाता है, और 18 वर्ष के ऊपर जितनी भी अवस्था है उसको प्रौढ़ावस्था, उसके बाद में इस प्रकार से चलती रहती है। परंतु यहाँ एक प्रश्न है कि शर्म और गर्व जैसी भावना या ऐसा इमोशन, ऐसा संवेग बालक के अंदर कौन सी अवस्था में सर्वाधिक चरम सीमा पर विकसित हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि बाल्यावस्था। अब इसमें बाल्यावस्था कैसे होगा, देखिए दोस्तों, शैशवावस्था में बालक जब 15 दिन का होता है तो बालक अपने माता पिता के साथ बिना कपड़ों के स्नान कर लेता है, नहा लेता है, और बालक में इस समय अहंकार, घमंड, गर्व, प्राउड किसी भी प्रकार की बात नहीं होती। यहाँ तक कि 6 महीने 10 महीने 15 महीने तक का बच्चा भी जो है माता पिता के साथ विदाउट यूनिफॉर्म स्नान कर लेता है, उसमें शर्म कहाँ आ रही। दूसरी बात, अगर कोई गेस्ट आता है तो भी बच्चा नहीं शर्माता है, तो यहाँ शर्म का जो संवेग है वो विकसित नहीं होगा। परंतु आगे अगर अपन बात करें तो बाल्यावस्था की बात करते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था के अंदर क्या होगा कि जब बच्चा 6 से लेकर के 12 वर्ष की, और चरम सीमा की अगर अपन बात करें उत्तर बाल्यावस्था 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था है दोस्तों, उसमें बालक में शर्म और गर्व जैसी, जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल गया और स्कूल में 3rd क्लास में पढ़ता है, और वहाँ पर मान लीजिए कि अध्यापक ने उसको कोई गिफ्ट दे दिया, तो उस बच्चे को दूसरे बच्चों की अपेक्षा क्या होगा, प्राउड हो जाएगा, गर्व हो जाएगा, इस बच्चे में ये सेंस डेवलप हो जाएगा। परंतु शर्म की भावना भी यही आ जाएगी कि 12 वर्ष का जो बालक है वो सबके सामने नग्न अवस्था में नहीं नहाएगा, तो इसमें सही आंसर होगा हमारा बाल्यावस्था। आगे की बात करते हैं अपन दोस्तों, खिलौने की आयु कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी विद्यार्थी इनमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ये ऑप्शन कई बार गलत भी कर लेते हैं। खिलौने की आयु और खेल की आयु दोस्तों दोनों में अंतर है, एक तो है खेल की आयु और एक है खिलौने की आयु। तो देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि जो खेल की आयु है वो तो खेल होता है जो बना हुआ होता है जो बाल्यावस्था में होता है, परंतु अब रही बात खिलौने, ऐसे जो खिलौने होते हैं हेलीकॉप्टर है, कार है, या फिर कोई भी दुनिया भर के खिलौने बच्चों के लिए आते हैं आजकल, उन खिलौनों से बच्चा कौन सी आयु तक खेलता है? देखिए इसमें प्रश्न है, इसका पहला ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपरोक्त सभी। दोस्तों अपन ने बात करी अभी कि जो बाल्यावस्था है, सबसे पहले इसको समझिए आप कि जो 0 से 6 वर्ष की जो अवस्था है दोस्तों, ये अवस्था आपकी कहलाती है शैशवावस्था, शैशवावस्था। और शैशवावस्था कोई हमारे मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक तो 0 से लेकर के 3 वर्ष और एक है इसमें 3 से लेकर के 6 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर 3 से लेकर के जो 6 वर्ष है इसको मनोवैज्ञानिकों ने नाम दिया है पूर्व बाल्यावस्था, और ये वाली है ये आपकी शैशवावस्था हो गई। तो शैशवावस्था में भी जो 3 से 6 वर्ष का जो समय होता है या जो आयु होती है उसको बोला जाता है पूर्व बाल्यावस्था। बालक क्या करता है कि पूर्व बाल्यावस्था के अंदर खिलौनों के साथ खेलने की योग्यता हासिल कर लेता है। देखिए आप सभी विद्यार्थी इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक दिन आप भी छोटे बच्चे रहे हो और आपके परिवार में भी छोटे बच्चे होते हैं। दोस्तों यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि जो 15 दिन का बच्चा है उस बच्चे को आप हेलीकॉप्टर कार कोई भी ला करके दे दीजिए, बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि बच्चा खेलेगा जब जब बच्चे की मेंटल एक्टिविटी शुरू होगी और मानसिक योग्यता शुरू होती है उसकी पूर्व उत्तर बाल्यावस्था में, और खेलने की जो खिलौने के साथ में जो खेलने की आयु होती है वो होती है हमारी 0 से 3 वर्ष की। तो बच्चा क्या करेगा कि पूर्व बाल्यावस्था में खेलेगा। आगे प्रश्न नंबर 3 पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दोस्तों फिर वही बात आपके सामने आई है कि अवस्था, देखिए 0 से लेकर के 6 वर्ष की जो अवस्था है इसको हम बोलते हैं शिशुवावस्था, ठीक है, ये हो गई हमारी शिशुवावस्था। और इसके बाद में शिशुवावस्था को भी मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांट दिया है कि जो 0 से 3 वर्ष है और एक है आपकी 3 से लेकर के 6 वर्ष, ये पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, पूर्व बाल्यावस्था। तो यहाँ बात यह है, ये पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहा है ये, देखिए आप ये कहना चाह रहा है कि जो 3 से 6 साल का जो बालक होता है या बालिका होती है वो बालिका, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी योग्यता नहीं रखता? समूह में रहने की अवस्था, उसके बाद में है अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा समूह में रहने की अवस्था। अब मैं आपको समझाता हूँ, छोटा बच्चा होता है तो खेलने की अवस्था ये तो खेलता ही है, तो ये तो आंसर सही है, ये कह रहा विशेषता नहीं रखता तो यह नहीं की बात है। इसमें दूसरा है प्रश्न करने की अवस्था, छोटा बच्चा होता है उसमें कई प्रकार की जिज्ञासाएं होती है और अपने माता पिता से अपने बुजुर्गों से कई प्रकार के प्रश्न पूछता रहता है, यहाँ तक कि ये भी पूछता रहता है क्या ये चंदा मामा चल रहा है, ये नीचे नहीं आएगा क्या, ऐसे ऐसे प्रश्न करता रहता है। अनुकरण की अवस्था, दोस्तों अनुकरण के बिना तो बच्चा सीखेगा कैसे? इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि परिवार में जब रहता है तो परिवार के लोग जिस प्रकार से बोलते हैं वैसा का वैसा वो भाषा अनुकरण कर लेता है और वैसा का वैसा बोलने लग जाता है। तो ये 3 विशेषताएं तो बी सी डी या ऑप्शन तो बिल्कुल सही होंगे, परंतु ये जो ऑप्शन है इसमें समूह में रहने की अवस्था ये नहीं होगा, क्योंकि समूह में रहना जब सीखेगा, जब वो समूह में जाएगा तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या होगा कि बालक जब स्कूल जाएगा, लेकिन अब एनसीईआरटी और एनसीईटी इन्होंने भारत सरकार ने और प्रत्येक राज्य सरकार ने छोटे बालक को एडमिशन की जो उम्र है वो 4 से 6 वर्ष की है। तो नर्सरी में 4 साल का बच्चा एडमिशन ले सकता है और एनसीईआरटी के अनुसार 6 वर्ष का बालक एडमिशन ले सकता है। तो दोस्तों जब वो स्कूल जाएगा तभी तो उसके अंदर सामाजिकता का विकास होगा और सामाजिकता का गुण आएगा। तो बालक क्या करेगा कि पूर्व बाल्यावस्था में समूह में रहना नहीं सीख पाएगा, अकेला भी रह जाएगा। मेरा मतलब यह है कि पूर्व बाल्यावस्था का मतलब यह है कि जो 3 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था है इसके अंदर सामाजिकता का विकास पूरा नहीं होता। 6 से लेकर के 12 वर्ष की जो अवस्था है बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, या 9 से लेकर के 12 वर्ष की जो आयु है उसके अंदर बालक क्या करेगा कि वो सीख जाएगा। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? दोस्तों देखिए ये बात कर रहा है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होगा कि उत्तर बाल्यावस्था का मतलब हो गया 3, 9 से लेकर के और 12 वर्ष, ठीक है, ये हो गई हमारी उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष, ठीक है, और इन्हीं को 2 भागों में बांट दिया कि 6 से लेकर के 9 वर्ष और 9 से लेकर के 12 वर्ष। अब उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे में क्या होता है कि सारे तर्क करना, चिंतन करना, ये सब चीजें उसमें आ जाती है, तो द्रव्यमान भी सीख जाएगा वो, द्रव्यमान और संख्या का भी उसको ज्ञान हो जाएगा। तो इसमें आंसर सही क्या होगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? दोस्तों ये कहना चाहता है कि बाल्यावस्था जो है, और वो भी कौन सी बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था के अंदर कौन सा काम वो नहीं करेगा? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बिल्कुल नॉर्मल खेल होंगे उनको आराम से वो जो है उसमें परफेक्ट हो जाएगा, और पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। दोस्तों यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात की जा रही है, जो बच्चे के अंदर कामुकता के जो हार्मोन्स होते हैं
वो लगभग 12 वर्ष की आयु के बाद में ही उसमें विकसित होना प्रारंभ होते हैं, और तभी बालक विषम लिंग के प्रति आकर्षित होता है। लड़के लड़कियों को देख करके प्रसन्न होते हैं, लड़कियां लड़कियों की तरफ आकर्षित होती है। परंतु ये प्रश्न कह रहा है उत्तर बाल्यावस्था, मतलब 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु के अंदर ये काम बच्चा नहीं करता, शादी ब्याह वगैरह ये नहीं होता है। पुरानी परंपराओं में जैसे बाल विवाह होते थे, परंतु अब सरकार ने रोक दिया है, तो रोक दिया तो समाज में इस प्रकार का वातावरण नहीं है, तो ये जो है कार्य या ये इस प्रकार का विकास बच्चे में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है, अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहना सीख जाता है, बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ रहता है, और टोली या गेम एज भी इसको बोला जाता है, वो सही है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। अब देखिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, समाजीकरण मतलब समाज की समझ होना। सोशियल डेवलपमेंट बच्चे का कौन सी अवस्था में सबसे स्ट्रोंग होता है, सबसे मजबूत होता है? तो पूरे जीवन भर तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि पूरे जीवन भर कैसे होगा। 15 दिन का जो बच्चा होता है वो तो सामाजिक कार्य करता ही नहीं है, समाज के बारे में समझता ही नहीं है। किशोर अवस्था के दौरान बिल्कुल ये इसका सही आंसर होगा। जब बालक किशोर हो जाएगा तो किशोर के अंदर क्या होगा कि किशोर अवस्था का मतलब हो गया है कि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की जो आयु है, इस आयु के अंदर बच्चा क्या करेगा कि समाज में होने वाली सारी प्रक्रियाओं को वो सीख लेगा, समझ लेगा, और समाज के अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि समाज के अंदर नवयुवक मंडल हैं, या माता पिता का रेस्पेक्ट करना है, या बड़ों को सम्मान देना है, या फिर अगर मान लीजिए कोई कुलदेवी है उसकी पूजा करनी है, या फिर और भी कई प्रकार का समाज में जैसे ब्लड डोनेट करना है, या फिर मान लीजिए कोई अफाइज है तो उसकी मदद करनी है। ये किशोर अवस्था में कॉलेज में जाते जाते बच्चे में ये सारी क्वालिटी डेवलप हो जाती है, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा आपका किशोर अवस्था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, शैशव अवस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि शैशव अवस्था होती क्या है। शैशव अवस्था का समय हमारे मनोवैज्ञानिकों ने 0 से लेकर के और 6 वर्ष की जो आयु होती है दोस्तों उसको माना है। अब इस आयु में क्या होगा आप देखिए, जब तक आप अपने ऊपर लेकर के नहीं देखेंगे क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा। सहयोग लेना, अरे जन्म से ही जो बच्चा होता है वो सहयोग लेता ही है, बिल्कुल ये विशेषता उसमें पाई जाती है। अगर एक बच्चे का जन्म हुआ है तो 15 दिन बाद वो अपने आप स्नान नहीं कर पाएगा, वो नहा नहीं पाएगा, ना कपड़े पहन पाएगा, तो बच्चा सहयोग लेगा। अनुकरण बिल्कुल दोस्तों, बच्चा कभी भी कहीं पे भी जाकर के 15 दिन का बच्चा, 2 महीने का बच्चा स्कूल में जाकर के इंग्लिश नहीं सीख सकता, तो क्या करेगा, अनुकरण करेगा। अनुकरण की प्रथम पाठशाला कौन सी है? परिवार। तो अपने पारिवारिक सदस्यों से वो बच्चा क्या करेगा, भाषा सीखेगा, या उनकी जो भी शारीरिक मानसिक और भावनात्मक जितनी एक्टिविटीज होती है उनको कैच करता है, और बच्चा अपना विकास करता रहता है। तो पहली पाठशाला में ही बच्चा अनुकरण करेगा, आश्रित होना। यस दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कहना चाहते हैं, आश्रित। देखिए 0 से लेकर के 6 साल का जो बालक है दोस्तों, न तो अपने आप नहा सकता, न अपने कपड़े को खुद प्रेस कर सकता, न अपना बैग जमा सकता है, ये सारे के सारे काम उसकी माँ करती है दोस्तों। तो उसकी प्रथम जो टीचर होती है वो अपनी माँ होती है। तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल तीनों सही है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि सारे काम होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीखता है? दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजन भी है। देखिए बच्चा क्या करता है, आपको पता है लगभग 20 शब्द जो है वो 11 महीने तक सीख लेता है। हालांकि सभी बच्चों की जो वाचिक योग्यता है या जो लैंग्वेज प्रेजेंटेशन है वो सबकी अलग अलग होती है दोस्तों। इस धरती के ऊपर सभी का ही जो शारीरिक बनावट है वो लगभग लगभग मिलती जुलती है, लेकिन मानसिक जो मेंटल सिस्टम है या मेंटल एफिशिएंसी, जो वर्किंग एफिशिएंसी है या उसका जो वर्किंग जो स्टाइल है वो सबका अलग अलग होता है। आप देखिए सभी बालक एक जैसे चित्र नहीं बनाते हैं, सभी बालक एक तरह नहीं गाते हैं, सभी बालक एक तरह नहीं बैठते हैं। तो यहाँ बात करने की भी यही बात है कि कुछ बच्चे जो है 11 महीने की उम्र में ही बोलना सीख जाते हैं, और ये प्रश्न भी यही कह रहा है कि प्राय नॉर्मली बच्चे कौन सी आयु में बोलना सीख जाते हैं। कुछ बच्चे 16 महीने में सीखते हैं, कुछ जो ना मंद बुद्धि बालक होते 12 महीने लग जाते हैं, कई ऐसे भी बच्चे भी होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि मान लीजिए 0 से 20 है, या 25 है, या 25 से 50 है। तो ये बुद्धि का संबंध है क्योंकि वाचिक बुद्धि हमारी होती है। तो इसमें बच्चा क्या है कि नॉर्मली प्राय की जो बात कर रहा है तो 11 महीने में ये बोलना सीख जाएगा। आगे की बात अपन करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर है इसमें 9, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? दोस्तों ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप अपने पे अप्लाई कीजिए, आपने सबसे पहले कौन सी भाषा सीखी?
मान लीजिए आप किसी गांव के रहने वाले हो, तो आपने सबसे पहले हिंदी में नहीं सीखी होगी, आपने सबसे पहले अंग्रेजी में नहीं सीखी होगी, आपने सबसे पहले स्कूल की किताबों की भाषा भी नहीं सीखी होगी, आपने सबसे पहले सीखी होगी जो आपके परिवार में, पड़ोस में, आपके मोहल्ले में या फिर आपके गाँव में जो बोली बोली जाती है। भाषा नहीं, बोली सीखी होगी, भाषा तो बाद में आती है। अब रही बात कि सबसे पहले बच्चा किसको सीखेगा, अपनी मातृभाषा को, मातृभाषा जो उसकी मातृभूमि है, जहाँ उसका जन्म हुआ है। तो दोस्तों राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा और सांकेतिक भाषा ये बच्चे में बहुत बाद में आती है, और क्योंकि ये तर्क पे आधारित है और चिंतन पर आधारित है, जबकि मातृभाषा भावनाओं से, इमोशन से या संवेग से जुड़ी हुई है। तो बालक क्या करेगा, सबसे पहले मातृभाषा सीखेगा। आते हैं आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है। देखिए दोस्तों, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है या जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसके अंदर सबसे सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे यूनिक स्टेटमेंट कौन सा है, ये कहना चाहता है ये प्रश्न। तो इसमें सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे होते ही नहीं है। कोई प्रतिभाशाली बालक होता है, कोई क्रिएटिव बच्चा होता है, कोई डल बुद्धि बच्चा होता है, कोई बैकवर्ड इंटेलिजेंसी बच्चा होता है, कई बच्चे जो है ना ऑटिज्म बालक होते हैं, कई विकलांग बालक होते हैं, कुछ बालक जो ऐसे होते हैं जिनको कई बार सिखाने पे भी नहीं सीख सकते हैं। तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, फिजिकली और मेंटल डिफरेंट हो तो होता ही है। और यहाँ तक कि अगर अपन बात करें तो मानसिक रूप से, मतलब पर्यावरण के रूप में, वातावरण के रूप में और वंशानुक्रम के रूप में बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यस दोस्तों, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जन्म से ही गॉड गिफ्ट होता है। अब वो किसी भी प्रकार का होता है, इस संसार में 1% बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिनको दुनिया में कोई भी बीट नहीं कर सकता। उनकी IQ लेवल 140 क्या लगभग 300-400 तक होती है। जैसे रामानुजन अयंगर, मैथ्स में जितना टैलेंट था कि गणित में वो सेकंड नॉर्मल क्वेश्चनों का हल दे देता था, जबकि दिमाग को प्रोसेसिंग करने में, कैलकुलेशन करने में वक्त चाहिए, परंतु रामानुजन ऐसी ऐसी गणित बना के गया है। आइंस्टीन की बात करें, बिल गेट्स की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, मोदी की बात करें, और भी जो ऐसे अमिताभ बच्चन की बात करें, शाहरुख खान, ये बच्चे ऐसे हैं दोस्तों कि ये अपने फील्ड में विशेष बच्चे हैं, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। और कुछ बच्चे ऐसे हैं 1% दुनिया में जिनको दुनिया में कोई सक्सेस कर नहीं सकता, जैसे जो 0 से 25 की बुद्धि लब्धि होती है, जिसको हम मनोविज्ञान में जड़ बुद्धि बोलते हैं दोस्तों, ये मोरल बालक होते हैं, ये मूर्ख से भी मंद बुद्धि के बालक होते हैं, इनको मेंटल रिटायर्ड बच्चे बोलते हैं दोस्तों। इनके दिमाग में किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं होती है, यहाँ तक कि इन बच्चों को पानी पीने का, खाना खाने का भी नॉलेज नहीं होता। अगर केला देंगे तो केले का छिलका उतारने का भी इनको ज्ञान नहीं होता दोस्तों, ऐसे बच्चे होते हैं। उसके बाद में जो कैटेगरी आती है तीसरी वाली, कि जो बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, वो विशिष्ट प्रतिभा रखते हैं। किसी में संगीत की प्रतिभा है, किसी में नृत्य की प्रतिभा है, किसी में गणित की प्रतिभा है, किसी बच्चे में फिजिक्स की है, किसी में हिंदी की, किसी में साहित्य की, किसी में लेखक की। दोस्तों आगे जाकर के ये बच्चे वैसे बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल एक कोटिली नाम का बच्चा है, जानवी नाम की बच्चे, ये गूगल बॉय, गूगल गर्ल के नाम से जाने जाते हैं। इन बच्चों में स्पेशल टैलेंट है दोस्तों। तो बच्चे क्या है, अब इनमें यह है तो किसी और में कुछ होगा, इसलिए इसका यही आंसर सही होगा कि बच्चे, प्रत्येक बच्चा एक विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, हर बच्चा ही विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में सारे बच्चे एक जैसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबका DNA RNA सब अलग होता है, जेनेटिक वो अलग होता है, एक जैसे नहीं हो सकते दोस्तों। इसलिए जुड़वा बच्चे भी अलग अलग ही होंगे। आगे की बात करें, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समन्वय समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समन्वय समूह, मतलब जो बच्चे हैं ना मिलनसार हो जाते हैं, समन्वय का मतलब है कि कोऑपरेट करने वाले बच्चे हो जाते हैं। तो इसमें कब होंगे, पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होगा, क्योंकि बच्चा उसका अगर कोई खिलौना ले लेगा तो रूठ जाएगा, उसे दोस्ती तोड़ देगा, इसमें भी नहीं होगा। बाल्यावस्था में भी नहीं होगा दोस्तों, बच्चे कई बार क्या करते हैं, दोस्ती टूट जाती है, तो आपने देखा होगा नॉर्मली भाषा में कट्टी बोलते हैं, वैसे कट्टी हो गई, बच्चे कभी दोस्ती नहीं कर पाते, 2-3 दिन तक नहीं बोलते, फिर उसके बाद उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है अदरवाइज। इसके बाद में अपन बात करें किशोर अवस्था की, दोस्तों यहाँ क्या होता है कि बालक में सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक और तार्किक चिंतन सभी प्रकार का डेवलपमेंट हो जाता है किशोर अवस्था में। तो इस जगह आकर के बालक क्या करेगा कि वो सभी समूह में समन्वय कर लेंगे दोस्तों, एडजस्टमेंट करने की इनमें योग्यता आ जाती है। तो इसका आंसर ये सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हमारा किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कब से मानी गई है, 12 से लेकर के 18 वर्ष की जो आयु होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं किशोर अवस्था। आप देखना कॉलेज में जो बच्चे होते हैं उनमें सभी योग्यताएं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर अंतिम है हमारा, एक
अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? दोस्तों यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अध्यापक टीचर आप अपने पे अप्लाई कीजिए, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, चाहे आप राजस्थान के अध्यापक बने या केंद्रीय विद्यालय में या DSSB में या नवोदय विद्यालय में, आप एक अध्यापक है तो आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए इस प्रश्न को कि आप सबसे अच्छा क्या बोलना चाहते हैं, आपके मन में क्या है, आप में कितनी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे जो तीनों ऑप्शन है यहाँ से लेकर के बी से लेकर के डी तक, ये सारे के सारे नेगेटिव मोटिवेशन की बात करते हैं, क्योंकि एक अध्यापक होता है वो बच्चे का डॉक्टर होता है, वो बच्चे की निदान करता है, पहले उसकी समस्या को समझता है और फिर उसका उपचार करता है, मतलब उसका हल निकालता है। तो बच्चा जब भी अध्यापक जब भी करेगा जब वो पॉजिटिव होगा, तो बच्चा क्या अध्यापक क्या करेगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है ये थॉट रखेगा। इस दुनिया में अगर कारीगर अच्छा है तो प्रत्येक मिट्टी का बर्तन बनाया जा सकता है। दोस्तों अगर अध्यापक अच्छा है तो उस बच्चे की जो सुसुप्त मानसिक योग्यताएं हैं उनको बहुत ज्यादा जागृत कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हमें मोटिवेशन, पुनर्बलन, समायोजन, कई ऐसी चीजें दी हैं जिनसे हम हमारे उस बच्चे के दिमाग को सक्रिय कर सकते हैं, उसको उत्साहित कर सकते हैं, एक्साइटेड कर सकते हैं, उस बच्चे को कुछ प्रलोभन दे करके उसकी रुचि में जो है ना किसी भी प्रकार का विकास कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो दोस्तों आज हमारी ये मौर्य क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला आज यही मैं आपके सामने समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय गुरुदेव, थैंक यू।